मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में इस बार एट्रोसिटी एक्ट संशोधन का सीधा असर दिखेगा। एक्ट के खिलाफ लोगों में गुस्सा अभी तक थमा नहीं है। बीजेपी का गढ़ कहे जाने वाले ग्वालियर पूर्व सीट पर एट्रोसिटी और बगावत का दोहरा खतरा मंडरा रहा है। चुनाव से पहले दोनों ही असर खत्म होते नजर नहीं आ रहे हैं। मौजूदा विधायक व मंत्री माया सिंह को भी समझ नहीं आ रहा है कि वो नाराज सवर्णों को कैसे मनाए। संगठन पदाधिकारी भी दोनों ही मसलों से निपटने की रणनीति पर मौन है। सवर्ण बाहुल्य सीट पर बीजेपी को इस बार तीन मोर्चों पर लड़ना है। पहला मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस, दूसरा एट्रोसिटी एक्ट के विरोध में नाराज सवर्ण समाज और तीसरा बगावत को तैयार बैठे बीजेपी नेता सतीश सिंह सिकरवा है। बीजेपी के लिए एक साथ इन तीन मोर्चों पर संघर्ष इसलिए विशेष मायने वाला है क्योंकि पिछले चुनाव में इस सीट पर हार जीत का फैसला महज 1147 वोटर पर हो गया था। सिकरवार उर्फ भूरा इस बार इस सीट से टिकट मांग रहे हैं। सतीश लगभग 4.5 साल से तैयारी कर रहे थे। ऐसे में अगर पार्टी उन्हें टिकट नहीं देती है तो वे बागी होकर चुनाव में उतरेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, MP तक।